लेक्चर में हम रेजिक्स के बारे में सीखेंगे। रेजिक्स बेसिकली जिसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि सीक्वेंस होता है करेक्टर्स का यूज्ड फॉर सर्च पैटर्न्स। जो रेजिक्स होता है वो किसी भी स्ट्रिंग में किसी स्पेसिफिक सर्च पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अब इससे जो हमारी सर्च होती है वो एफिशिएंट और क्विक हो जाती है। उसके लिए पाइथन का जो बिल्ट इन पैकेज यूज होगा RE के नाम से, उसको हम इंपोर्ट करवाएंगे उस मॉड्यूल को और यूटिलाइज करेंगे। इंपोर्ट RE, फॉर एग्जांपल कोई भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग देते हैं, इट्स रेनिंग टुडे, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसमें कोई स्पेसिफिक कीवर्ड वो मौजूद है या नहीं। तो मैं लिखूँगा RE डॉट सर्च, यहाँ पे जो पैटर्न आएगा जिसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल रेनिंग या रेन कॉमा एंड स्ट्रिंग नेम जिसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ट्रेनिंग आएगा यहाँ पे, उसके लिए हम पाइथन का एक मॉड्यूल यूज करेंगे RE के नाम से। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट RE, कोई स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे हम, अब हम इसमें कोई भी सब स्ट्रिंग जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे RE डॉट सर्च सब स्ट्रिंग जो के हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फॉक्स स्ट्रिंग जिसमें से हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये हमें एक बोलियन टाइप रिटर्न करेगा, यस और नो। इसको हम एक्स में स्टोर करवा देते हैं। इफ एक्स इज ट्रू देन प्रिंट substring found, else print no match। तो substring found,
Let's try another one. So here again, substring found. So अगर हम किसी भी substring का कोई part उसके बारे में search करना चाहते हैं, like यहाँ पे हमारे पास है jumps, हम search कर रहे हैं jump के लिए. So what would be the result? Substring found. So regex में बहुत से functions और meta characters use किए जाते हैं. इसके अलावा हम कोई भी special sequence वो भी find कर सकते हैं. उसके लिए different character use होगा, जो के स्टार्ट होगा बैक स्लैश से, लाइक बैक स्लैश ए, बैक स्लैश बी एटसेट्रा. यहाँ पर एक जो फंक्शन यूज होता है फाइंड ऑल का, वो के तमाम लिस्ट को, तमाम मैचेस की लिस्ट को हमें प्रिंट आउट करवा देगा. फॉर एग्जांपल सर्च की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं find all, string को चेंज करते हैं. For example मैं सबस्ट्रिंग फाइंड करना चाहता हूँ ए आई, जहाँ जितनी दफ़ा ये आएगी उसकी हमारे पास लिस्ट आ जाएगी थ्रू फाइंड ऑल फंक्शन. एक्स को प्रिंट करवा देते हैं. तो आप देख सकते हैं कि ए आई, ये जो सबस्ट्रिंग है हमारी, इस फुल स्ट्रिंग में दो दफ़ा आई है, हमारे पास इसकी लिस्ट आ चुकी है. उस केस में जब हमारे पास कोई मैच नहीं होता, तो देन सी व्हाट इट विल बी रिटर्न. तो हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट आ गई है, इसका मतलब कोई मैच नहीं मिला. इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें जो फर्स्ट वाइट स्पेस करेक्टर है वो रिटर्न हो, तो उसके लिए हम सर्च का फंक्शन यूज करेंगे. सर्च, यहाँ हम कॉमास में लिखेंगे बैकस्लैश एस और स्ट्रिंग नेम जिसमें हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एंड देन प्रिंट एक्स डॉट स्टार्ट. तो ये हमें उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा. तो जीरो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, हमारे पास जो थर्ड इंडेक्स पे फर्स्ट वाइट स्पेस आई है. तो इस सर्च फंक्शन के थ्रू और यूजिंग स्टार्ट फंक्शन हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट स्पेस जिस इंडेक्स पे है वो इंडेक्स रिटर्न हो चुका है. सिमिलरली और भी मेथड्स हैं, लाइक एक स्प्लिट का मेथड है जो कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देगा. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो ब्लैंक स्पेसेस से स्प्लिट हो, तो हम यूज करेंगे re डॉट स्प्लिट.
इस स्ट्रिंग को हम स्प्लिट करना चाहते हैं एट ईच ब्लैंक स्पेस प्रिंट एक्स तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें हर सब स्ट्रिंग को उसने एज ए लिस्ट एलिमेंट प्रिंट करवाया है। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो फर्स्ट अक्रेंस है हमारी ब्लैंक स्पेस की उस पे स्ट्रिंग को स्प्लिट किया जाए, तो उसके लिए लिखेंगे हम कॉमा वन। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास दो सब स्ट्रिंग्स रिटर्न हुई हैं जो के जो फर्स्ट अक्रेंस ऑफ ब्लैंक स्पेस वहाँ पे स्प्लिट हो रही है। इसी तरह अगर हम माइनस वन लिखेंगे तो ये कुछ भी स्प्लिट नहीं करेगा बल्कि पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमें एज ए लिस्ट आइटम प्रिंट करवा देगा। अगर हम सेकंड लिखते हैं यहाँ पे तो ये फर्स्ट से लेकर सेकंड तक जो स्प्लिट हैं, मतलब फर्स्ट स्प्लिट और सेकंड स्प्लिट दोनों स्प्लिट्स पे स्ट्रिंग को अलग अलग कर देगा। अब अगर हम चाहते हैं कि किसी सब स्ट्रिंग को किसी खास सब स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दें तो उसके लिए सब का मेथड यूज करेंगे रिटर्न डॉट सब। वो सब स्ट्रिंग जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ब्लैंक स्पेसेस को रिप्लेस करूंगा विद 6 एंड स्ट्रिंग नेम तो आप देख सकते हैं कि हर ब्लैंक स्पेस पे उसने ब्लैंक स्पेस को 6 के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो इस तरह से हम किसी भी सब स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं यूजिंग सब मेथड। एंड इफ वी वांट कि हमारी जो फर्स्ट दो सब स्ट्रिंग हैं मैच हुई हैं सिर्फ वो रिप्लेस हों तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉमा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि सिर्फ पहले वाली हो 1। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो ब्लैंक स्पेस है सिर्फ वही रिप्लेस हुई है 6 के साथ, जो बाकी रिमेनिंग हैं वो रिप्लेस नहीं हुई। इसी तरह से एक स्पान का फंक्शन है जो कि इंडेक्सेस की वैल्यू रिटर्न करवाता है एक टप्पल की फॉर्म में, जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट होती है, सब स्ट्रिंग स्टार्ट होती है और जहां पे एंड होती है। तो उसे देखते हैं डॉट स्पान। तो ये हमें एक टप्पल रिटर्न करवाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग इंडेक्स टू एंडिंग इंडेक्स ऑफ द सबस्ट्रिंग। सिमिलरली एक और मेथड है स्पान का जो कि हमें रिटर्न करवाता है टप्पल के इंडेक्सेस की वैल्यू, जहां से टप्पल की सिमिलरली एक मेथड है स्पान का जो कि हमें रिटर्न करवाता है सब स्ट्रिंग के इंडेक्सेस की वैल्यू टप्पल की फॉर्म में। टू वैल्यूज होती हैं टप्पल में, फर्स्ट वैल्यू जो स्टार्टिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो सेकेंड वैल्यू है वो एंडिंग इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्ट्रिंग है
एक्स हमें रिटर्न करवा देगा, यहां पर हम लिखेंगे स्पान तो आप देख सकते हैं कि फिफ्थ से लेकर जो सिक्स्थ इंडेक्स तक हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है ए आई। तो इस तरह से हम एक टपल रिटर्न करवाया है जिसने बताया है कि जो सब स्ट्रिंग है उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू क्या है। इसी तरह एक स्ट्रिंग का फंक्शन है जो कि रिटर्न करवाता है कंप्लीट स्ट्रिंग जो कि हमने फंक्शन को पास की है, एक्स डॉट स्ट्रिंग। तो हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न हो चुकी है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास वो स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग रिटर्न हो जो कि एस या स्मॉल एस से स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए हमारा जो रेजिक्स होगा वो कुछ इस तरह का होगा और बैकवर्ड स्लैश बी स्मॉल एस जो कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं W प्लस। तो हमारे पास जो मैच हुआ है वो स्पेन। अब अगर हम इसे रन करते हैं तो उसने जो फर्स्ट फाउंड वैल्यू है सिर्फ उसी को रिटर्न करवाया है। अगर हम चाहते हैं कि तमाम वैल्यूज तमाम जो सब स्ट्रिंग्स हैं जो एस से स्टार्ट हो रही हैं वो रिटर्न हो जाएं तो उसके लिए ग्रुप का मेथड यूज होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो मेटा इन्फॉर्मेशन है वो शो ना हो, सिर्फ स्ट्रिंग वो जो सब स्ट्रिंग है वो शो हो, तो उसके लिए हम एक ग्रुप का मेथड यूज करेंगे एक्स डॉट ग्रुप। तो ये हमें सिर्फ जो सब स्ट्रिंग है एस से स्टार्ट हो रही है वो रिटर्न करवा देगा। तो इस वीडियो में हमने पाइथन रिजिक्स के बारे में सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।